नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूँ आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ। खबर राजस्थान के झुंझुनू से, एजाज सिंघाना। पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी पिस्टल बरामद की है। साथ ही आरोपी पहले भी कुछ मामलों में वांछित चल रहा था। साथ ही आरोपी को पकड़ने के दौरान उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम में विजय उर्फ मिंटू सनोप लीलाराम गुजर निवासी इश्कपुरवा, जो हमारे एक मारपीट के मुकदमे में वांछित चल रहा था, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस उसके घर पर गई, तो पुलिस को देख करके भाग लिया, जिसका पीछा कर दस्तयाब किया, जिसके पास से एक अवैध देसी पिस्टल मिली। और वहीं इस साल झालावाड़ में मावठ खुलते ही किसानों ने खेतों में काम करना शुरू कर दिया है। इस साल रबी सीजन में रायपुर क्षेत्र में किसानों ने प्याज कम क्षेत्रफल में लगाया। आपको बता दें कि प्याज की रोप तैयार करके किसान दोबारा खेतों में चुपाई का काम कर रहे हैं। हालांकि पिछले साल के मुकाबले अब किसानों को प्याज के अच्छे भाव मिलने की उम्मीद भी बताई जा रही है। साथ ही किसानों ने बताया कि प्याज के पौध तैयार करने में 40 दिन का समय लगता है। इसके बाद प्याज की चुपाई करने के बाद ही 60 दिन में प्याज तैयार होती है, जिसमें निराई गुड़ाई और खरपतवार पर दवाइयों का अधिक खर्च आता है। और वहीं सिरोही में केंद्रीय विद्यालय संगठन के 60वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सामुदायिक भोज का भी अरेंजमेंट किया गया। इस दौरान बच्चों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और देशभक्ति गानों से समा बांध दिया। वहीं स्कूल के प्राचार्य ओम प्रकाश जाखड़ ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन अपना 60वां स्थापना दिवस हीरक जयंती के रूप में मना रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय विद्यालय की स्थापना 15 दिसंबर 1963 को उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक प्रयासों के माध्यम से उत्कृष्टता प्राप्त करने, साथ ही छात्रों की प्रतिभा, उत्साह और रचनात्मक का पोषण देने के उद्देश्य से की गई थी। और वहीं टोंक जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारी शुरू हो गई। आपको बता दें, जिला कलेक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा ने जानकारी देते हुए बताया कि 16 दिसंबर को कृषि ऑडिटोरियम से इसकी शुरुआत होने जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यात्रा का उद्घाटन करेंगे। ये सभी रथ जिले के चारों विधानसभाओं में जाएंगे। साथ ही इन रथों का मकसद केंद्र सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है, जिससे उनकी जिंदगी में बदलाव आ सके। मैंने उपखंड अतिरिक्त कलेक्टर स्तर के अधिकारियों को इस पूरी योजना का प्रभारी अधिकारी अलग अलग ब्लॉक में बनाया है। उपखंड लेवल के नोडल अधिकारी जो हैं वो उपखंड अधिकारी होंगे, और हमने प्रतिदिन एक शिविर में एक डे नोडल अधिकारी जो वहाँ पर इस पूरे शिविर की पूर्व तैयारी, शिविर का सफल आयोजन और सिविल में होने वाले कामों का पूरा सॉफ्टवेयर पर अपडेशन, मोबाइल ऐप पर अपडेशन जो भारत सरकार के हैं, ताकि प्रतिदिन की रियल पोजीशन, रियल जो उन कैंपों की हमारी प्रगति है, वो सेम टाइम सेम डे अपलोड की जा सके। बिफोर नून और एक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आफ्टरनून, इस तरीके से एक जो यात्रा का रथ है, वैन है, वो वैन एक दिन में दो यात्रा को कवर करेगी। लेकिन वहाँ पर जो शिविर है, जिससे लोगों का चिन्हीकरण किया जाएगा, लाभान्वित करने का काम किया जाएगा। और वही नागौर के मुख्य मेहरता खंड मुख्य चिकित्सा कार्यालय में मेहरता ब्लॉक सेक्टर मीटिंग का आयोजन किया गया। आपको बता दें, मीटिंग में विकसित भारत संकल्प यात्रा, मेरी कहानी मेरी जुबानी वीडियो पर चर्चा, यूविन ऐप पर टीकाकरण, IHIP आभा ID आदि को लेकर चर्चा की गई। मेहरता ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिवरतन परतानी ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा 22 दिसंबर से शुरू होगी। साथ ही यात्रा में आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर वेलनेस गतिविधियों, यात्रा जिस आयुष्मान मंदिर पहुंचेगी वहां प्राथमिकता के आधार पर नई ब्रांडिंग करवाई जाएगी।
और वहीं अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में पुलिस ने मोबाइल लूट मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें 26 नवंबर को 3 बाइक सवार लुटेरों ने एक युवक का मोबाइल फोन छीन लिया था, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज कराया। उसके बाद ही मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ये क्या मोबाइल लूट में है? जतिन पुत्र गुलाब चंद जाति कोड़ी है, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी मालन की गली। परिवादी ने मुकदमा दर्ज कराया था कि मेरे से झपट्टा मार के मोबाइल को ले गए। उसमें अनुसंधान किया गया, DST टीम द्वारा सूचना मिली कि इस तरीके से मोबाइल लूटने वालों की गिरह आए हुए हैं, तो उस पर गए, जांच पड़ताल करी और मोती डोंगरी से इसको लेकर आए, थाने पर ला करके पूछताछ करी, जुर्म कबूल करने पर इनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करेंगे। और वहीं खबर राजस्थान के बानसूर से है, जहां हरसौरा थाना क्षेत्र के बसई नरुका गांव में एक नवविवाहिता की नसबंदी के बाद उसकी मौत हो गई। आपको बता दें परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए अस्पताल के बाहर प्रदर्शन करने लगे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही थाना प्रभारी ने बताया कि हरसौरा CHC पर 14 दिसंबर को नसबंदी कैंप लगाया गया था, जिसमें एक महिला की नसबंदी करवाने के कुछ घंटों बाद ही उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते परिजन उसे ततारपुर अस्पताल लेकर गए, जहाँ महिला ने दम तोड़ दिया। इसकी रात से ही तबीयत खराब थी, जैसे जैसे हमने रात काटी और सुबह इसको लेर गए ततारपुर चौराया, तो रस्ते में इसने दम तोड़ दिया जी। उसके बाद में हरसौरा लेकर आए, हरसौरा वाले यहाँ रेफर कर दिया जी। हम तो ये चाहते हैं कि जो कानूनी कार्रवाई जो भी है, जो दोषी है उसको नसबंदी टीम की उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको मुजरिमों को वो भी कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, हम तो यही चाहते हैं सर। कौन से जगह का मामला है? बसई नरुका जी, हरसौरा थाना। मृतका का नाम क्या है? मोनिका। हाँ जी, डॉक्टरों की घोर लापरवाही, उसकी शाम से तबीयत खराब थी, जैसे जैसे हमने रात काटी सुबह ज्यादा तबीयत खराब हुई, हम ततारपुर ले जाने के लिए रास्ते में उन्होंने दम तोड़ लिया। 14 दिसंबर 2023 को नसबंदी कैंप हरसौरा अस्पताल में लगा था। इसमें मोनिका वाइफ ऑफ सोमवीर बसई नरुका की जो रहने वाली थी, उसने भी अपनी नसबंदी यहाँ पे ऑपरेशन करवाया था, नसबंदी का ऑपरेशन करवाया था। आज उसकी तबीयत खराब होने से आज उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में उनके जो परिजन है वो पोस्टमार्टम करवाने के लिए बॉडी यहाँ पे हरसौरा यहाँ पे अस्पताल में लाए थे और उनमें थोड़ा सा विरोध था, उनको मैंने समझाइश करने के बाद वो पोस्टमार्टम के लिए सहमत हो गए और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार विधिक। और वहीं खबर राजस्थान के कठुमर से है, जहां मुख्य बाजार के गणेश मंदिर पर सुबह से ही श्रद्धालु का जनसैलाब उमड़ने लगा। आपको बता दें श्रद्धालु मनोज खंडेलवाल ने बताया कि हर साल गणेश जी महाराज मंदिर पर अन्नकूट महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत 15 तारीख को कस्बे का बाजार का अवकाश होने के कारण अन्नकूट महाप्रसादी भंडारे का आयोजन रखा गया। वहीं इस मौके पर प्रातःकाल से ही मंदिर महंत अशोक भारद्वाज के द्वारा गणेश जी महाराज का विधि विधान पूजा अर्चना की और साथ भोग लगाकर श्रद्धालुओं की महाप्रसादी शुरू की गई। अच्छा, कितने बजे लगा है भोग लगभग? 9-10 बजे से भोग लग गया, शाम तक प्रसादी का चलता रहेगा। श्रद्धालु कैसे आ रहे हैं, क्या बताएंगे? आ रहे हैं। कितने लगभग आ गए हैं? मतलब 5-6 हजार आदमी का भंडारा है। और वही खबर राजस्थान के नागौर से है, जहां जिला कलेक्टर अमित यादव रियाबड़ी पहुंचे। अमित यादव ने उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा के साथ उपखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने राजस्व मामलों में निस्तारण और अन्य राजस्व मामलों में शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल किए जाने पर उपखंड अधिकारी की कार्यशैली की प्रशंसा की। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। जिला कलेक्टर ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा योजना के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रियाबड़ी ब्लॉक में उपखंड कार्यालय रियाबड़ी का निरीक्षण था, जो एनुअल निरीक्षण होता है। साथ में विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है उसका संबंध में मीटिंग भी थी। तो जैसा आप सभी जानते हैं, अभी 16 तारीख से प्रत्येक गाँव अपने एक वीडियो बैन जो आएगी, जिसमें जो
जो सरकार की जो इम्पोर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम है भारत सरकार की, जैसे पीएम सम्मान निधि है, उज्ज्वला योजना है, साथ में एसपीएम की है, साथ में अपने जो कृषि की है, पोषण अभियान है, ये सभी योजनाओं का उसके माध्यम से बताया जाएगा। इस जो संकल्प यात्रा जो है इसका पर्पज जो है तीन है, एक तो आईसी है, सेकेंड जो है बेनिफिशरीज का 100% सेचुरेशन करना है, जो छूटे हुए बेनिफिशरीज हैं उनका सभी का रजिस्ट्रेशन कराना है। इसके अलावा जो अपने जो लाभार्थी हैं उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको उसके अंदर बताना है। और वहीं लूनी क्षेत्र में इन दिनों हाथी के संग संतों का समूह सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए पहुंचा। आपको बता दें महंत नटवरगिरी महाराज ने बताया कि एक एक साल पहले मथुरा गोवर्धन से एक हाथी के संग सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए राजस्थान के लिए निकले थे, जहां से जगह जगह रुकते हुए लूनी क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां धार्मिक स्थलों पर विश्राम करते हुए आगे की यात्रा जारी है। वहीं लोग हाथी को गुड़, चपाती और अन्य आइटम खिला रहे हैं। महंत ने सनातन के प्रचार की कड़ी में बताया है कि हर व्यक्ति को सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। और हम सत्य सनातन का अपना प्रचार करते हुए सभी राजस्थान में भ्रमण कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं संस्कृति के प्रति अपने की, और सबसे यही आग्रह करते हैं हमारी भारतीय संस्कृति का जितना आपसे सहयोग हो सके संस्कृति की रक्षा करें। और आज की समय में आज हम लूनी में निवास कर रहे हैं और यहाँ सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। खबर प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल के, जहां पार्किंग व्यवस्था पूरी तरह से चौपट नजर आ रही है। आपको बता दें अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को बाहर सड़क पर गाड़ियां लगानी पड़ रही हैं। स्थिति यह है कि जिला अस्पताल में एम्बुलेंस भी आने जाने में परेशानी का सामना एम्बुलेंस को भी करना पड़ रहा है। दरअसल अस्पताल के मेन गेट के विस्तार के लिए इन दिनों निर्माण कार्य पूरा हुआ है, जहाँ नेशनल हाईवे होने के बावजूद यहाँ विभाग की ओर से दीवार खड़ी कर दी गई है, जिस कारण वाहनों को पार्क करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल रही है और यहां हादसे होने की संभावना भी बढ़ गई है। खबर राजस्थान के अलवर से है, जहां एडीजे कोर्ट नंबर 2 ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई। आपको बता दें पीड़ित के मुताबिक उसकी बेटी की शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही उसका पति बेटी को शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करता था। इसी कड़ी में 22 अक्टूबर 2019 को पति की पिटाई से उसकी मौत हो गई। वहीं अब इस मामले में आरोपी को सजा का ऐलान हुआ है। उद्योग नगर में डालचंद द्वारा एक मुकदमा दर्ज किया था, डालचंद पुत्र बाबूलाल सैनी द्वारा, कि उसकी बच्ची की शादी 2018 में हुई थी और 22 10 2019 को सूचना मिली कि मेरी बेटी को मार दिया। मैं मालूम पड़ी तो वो पहले से शराब पीकर उसके साथ दहेज की मांग करना, मारपीट करना, मानसिक रोग से परेशान रखना, उसको बंद कमरे में रखना, खाना नहीं खवाना। उसकी मौत की सूचना हुई तो वो दाह संस्कार कर रहे थे, उसको मौके पर प्रवादी डालचंद द्वारा उसको रोकवाया गया और थाने को सूचना की गई। थाने ने उसमें मुकदमा FIR संख्या 482/2019 उद्योग नगर में दर्ज की। अनुसंधान किया गया, अनुसंधान में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उन मुलजिम के निरंजन सैनी उर्फ लाला के खिलाफ 498/304B IPC में चालान पेश हुआ। चालान पेश होने के बाद ट्रायल के दौरान अपर जिला सेशन न्यायाधीश संख्या 2 ने पूर्ण गवाह होने के बावजूद पोस्टमार्टम रिपोर्ट FSL रिपोर्ट आने के बाद आज दिनांक के 15/12/2023 को श्रीमान न्यायालय द्वारा 498 में 3 वर्ष और ₹5,000 का अर्थदंड व अदम अदायगी का 1 माह का कारावास और 304B में 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा न्यायालय ने सुना। और वहीं खेतड़ी उपकोष कार्यालय में पिछले काफी दिन से स्टाम्प और टिकट उपलब्ध नहीं होने से क्षेत्र के लोगों का काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें समस्या से परेशान होकर वकील और स्टाम्प वेंडर्स ने SDM को ज्ञापन देकर व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है। खेतड़ी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवा सिंह बबेरवाल के नेतृत्व में SDM जय सिंह चौधरी को दिए ज्ञापन में बताया कि खेतड़ी उपकोष कार्यालय में पिछले 8 माह से स्टाम्प और टिकट नहीं उपलब्ध हो रहे। इस दौरान SDM जय सिंह चौधरी ने जिला कलेक्टर से बात कर समस्या को लेकर अवगत करवाया है। सभी स्टाम्प वेंडर संघ के सारे स्टाम्प वेंडर्स और हमारे अधिवक्ताओं की तरफ से
मेरे को अध्यक्ष अभिभाषक संघ खेतड़ी को नियुक्त किया और हम सब ने खेतड़ी की जनता टिकट के लिए और स्टाम्प के लिए भारी परेशानी से गुजर रही थी और यहाँ ट्रेजरी में किसी गमन को लेकर के सीज किया हुआ था और उस सीज के तहत यहाँ उपलब्ध होने से यहाँ के ट्रेजरी के जो टिकट के लिए स्टाम्प के लिए जनता को और स्टाम्प वेंडरों को भारी समस्याएँ हो रही थी। झुंझुनू से नीमका थाना से कहीं से दूसरी जगह से दूसरे टिकट ला करके काम की भी कर चला रहे थे। इसके समस्या को भारी समस्या को समाधान करने के लिए हम सब लोगों ने मिलकर के आज उपखंड अधिकारी खेतड़ी को ज्ञापन दिया गया और जल्दी से जल्दी इसकी व्यवस्था करने की मांग की गई है। मैं स्टाम्प वेंडर की तरफ से जो है आज एस डी एम साहब से मिला था कि साहब हमारे पास जो है न तो कागज़ है, न टिकट है, न स्टाम्प्स है, 8 महीने हो गए ट्रेजरी को यहाँ से बंद किया, इसलिए जो है उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं जल्द से जल्द आपका निराकरण करूंगा और जिला कलेक्टर नीम कथान से बात की है, अब वो क्या व्यवस्था करते हैं तो व्यवस्था हो जाएगी तो जो है, क्योंकि यहाँ सब तरह की दिक्कत हो रही है, बगट टगट के न्यायालय का काम भी रुका हुआ है, इसलिए जल्द से जल्द ये टिकट स्टाम्प्स की व्यवस्था करने के लिए एस डी एम साहब ने हमको आश्वासन दिया है। और वही पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्मश्री शीशराम ओला की 10वीं पुण्यतिथि पर अरावड़ता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। लोगों ने अपने प्रिय नेता को अरावड़ता में उनके स्मारक स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उदयपुर वाटी विधायक भगवाना राम सैनी, पिलानी विधायक पीतराम काला, खेतड़ी प्रधान मनीषा गुर्जर ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बताते चले कि शीशराम ओला झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से 5 बार सांसद और 8 बार विधायक चुने गए थे और प्रदेश के कद्दावर कांग्रेस नेताओं में उनकी गिनती होती थी। अभी के लिए बस इतना ही, जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।